हेलो बच्चों, आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप है जिसके द्वारा उसका सीधा संबंध क्रिया से जाना जाता है। उदाहरण है, जैसे सीता ने पत्र लिखा। इस वाक्य में सीता लिखना क्रिया का कर्ता है और पत्र उसका कर्म। अतः सीता कर्ता कारक है और पत्र कर्म कारक है। आगे देखिए, कारक और उनकी विभक्तियाँ। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब इनके विभक्ति चिन्ह देखिए। कर्ता ने कर्म को करण से के साथ के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर या स्थान हो संबंध संबोधन हे अरे अहो। ये हैं विभक्तियों के चिन्ह और विभक्तियाँ। अगला है कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा कार्य के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। इस ने चिन्ह का सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है। इसका वर्तमान काल और भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण देखिए, अर्जुन ने कर्ण को मारा। किसने मारा? अर्जुन ने। किसको मारा? कर्ण को। तो यहाँ पे पहले वाक्य में क्रिया का कर्ता अर्जुन है, इसमें ने कर्ता कारक है का विभक्ति चिन्ह है। बच्चे आम खाते हैं। वर्तमान काल की क्रिया का कर्ता बच्चे हैं, इसमें ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। धन्यवाद।